वालेकुम। तो आज मैं आपके चैनल आईटी टॉक पे एक और इंटरेस्टिंग सी अनबॉक्सिंग लेकर हाजिर हूँ। और अगर आप यहाँ पे 2020 के एंडिंग में भी कोई एप्पल एयरपॉड्स के अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई जा रही है। बाकी इस चैनल पे जॉइन होम के JRT03S को भी शोकेस कर चुका हूँ मैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है वो जॉइन होम ने एप्पल एयरपॉड्स की कॉपी की है उसमें, तो आप उसे भी बाय कर सकते हैं। वीडियो नहीं देखी तो वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। बाकी सेट लाइफ कलेक्शन के फेसबुक पेज का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप बाय करने में इंटरेस्टेड है तो आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं, फेसबुक मैसेजर या व्हाट्सएप पर ऑर्डर ले सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और यूट्यूब व्यूअर्स के लिए मैं स्पेशल डिस्काउंट देना चाहता हूँ हर वक्त, तो जो है जॉय रोम JRT03S जो है आपको 4500 विथ शिपिंग देखने के लिए मिल जाएगा। उसकी नॉर्मल जो सेलिंग रेट है वो 5000 रुपीज़ है, तो हम भी 5000 रुपीज़ में ही जो है वो सेल आउट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यूट्यूब व्यूअर्स के लिए आपको जो है वो कम प्राइस में देखने के लिए मिल जाएगा विथ शिपिंग 4500। आपको बस ये वीडियो का लिंक शेयर कर देना है और हाईलाइट कर देना है कि डिस्काउंट की बात की थी मैंने इस वीडियो में, तो आपको डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं आज के हमारे प्रोडक्ट की। मैंने एक्स्ट्रा बकवास इसलिए की क्योंकि अगर आप जो है वो कोई प्रोडक्ट खरीदने का सोच रहे हैं एप्पल एयरपॉड्स के अल्टरनेटिव, तो आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो यहाँ पर मैं लाया हूँ आपके लिए ट्रांसमार्ट के ओनिक्स एस, और शायद आप लोगों की प्यार की वजह से फिर से ट्रांसमार्ट ओनिक्स एस किसी भी इंडिविजुअल यूट्यूबर ने जो है वो अभी तक कवर नहीं किए यूट्यूब पे, और यहाँ पे कोई भी जो है वो ऑनलाइन स्टोर के यूट्यूब चैनल को नहीं बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल यूट्यूबर की। तो अगर आप जो है वो एप्पल एयरपॉड्स के अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको एप्पल एयरपॉड्स का डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाए और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी भी देखने के लिए मिल जाए, साथ ही साथ अगर आप कोई ऐसे एयरबड्स ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको कॉलिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिले, तो यहाँ पे ये एयरबड्स को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। मैं आपको फुली रिकमेंड कर सकता हूँ क्योंकि इसका जो मेन हाइलाइटिंग फीचर है वो क्रिस्टल क्लियर कॉल्स ही है, क्योंकि यहाँ पे आपको चार माइक्रोफोन देखने के लिए मिल जाते हैं, साथ ही साथ क्वालकॉम एप्टेक्स का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। क्वालकॉम की चिप लगाई गई है इस एयरबड्स में, तो ओवरऑल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त प्रोडक्ट है ये। कंपनी प्राइस उसकी 5500 के अराउंड जो है वो चल रही है। और यूट्यूब व्यूअर्स के लिए अगर आप ये वीडियो का लिंक देंगे और अगर इसे बाय करने में इंटरेस्ट है, नीचे सेट लाइफ कलेक्शन फेसबुक पेज का लिंक मौजूद होगा, 5200 रुपीज़ में आप जो है वो फुल ये प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी के साथ, और यहाँ पे फ्री शिपिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए आपको ज़्यादा बोर नहीं करते, जल्दी से अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं और फिर इसका क्विक रिव्यू भी कर देंगे ताकि आप जो है वो डिसाइड कर पाए कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदनी चाहिए या नहीं। तो चलिए अनबॉक्सिंग की तरफ, तो चलिए जल्दी से जो है वो ट्रांसमार्ट ओनिक्स एस को अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स का ओवरलुक ले लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ट्रांसमार्ट की ब्रांडिंग की गई है, क्वालकॉम एप्टेक्स की ब्रांडिंग की गई है, ओनिक्स एस प्रो वायरलेस एयरफोन्स लिखा हुआ है, एयरबड्स बने हुए आपके क्रिस्टल क्लियर कॉल्स वाया क्वार माइक्रोफोन एरे को मेंशन किया गया है क्योंकि ये इसका हाइलाइटेड फीचर है। यहाँ पे कुछ और हाइलाइटेड फीचर्स को मेंशन किया गया है, जैसे कि 24 आवर्स का यहाँ पे आपको प्ले टाइम देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे कन्वीनियंट जो है वो टच कंट्रोल देखने के लिए मिलते हैं, साथ ही साथ सुपीरियर साउंड वाया कस्टम डिज़ाइन ड्राइवर देखने के लिए मिलते हैं। मतलब यहाँ पे आपको 13mm का ड्राइवर देखने के लिए मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा लाउड है, उस पर हम जो है वो कोई रिव्यू में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे प्रेशर फ्री डिज़ाइन को मैंशन किया गया है, इस साइड पर चार माइक्रोफोन्स को जो है वो मेंशन किया गया है कि काका आपको माइक्रोफोन्स देखने के लिए मिलते हैं, और व्हाट्स इन द बॉक्स तो आप जो है वो अनबॉक्सिंग में देख ही लेंगे। और यहाँ पीछे की तरफ जो है वो एक लिस्ट मेंशन की गई है स्पेसिफिकेशंस की, तो आप जो है वो पॉज करके जो है वो ये पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो, बाकी हम जो है वो आपको पूरे रिव्यू में सब चीज़ें बताएंगे ही। तो चलिए जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। वैसे यहाँ पे जो है वो प्लास्टिक नहीं चढ़ा हुआ क्योंकि एक रिव्यू यूनिट है, तो आपको जो है ऊपर प्लास्टिक हटाने का भी एक्सपीरियंस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे एक और प्लास्टिक कवर आपको देखने के लिए मिल जाता है जिसमें ट्रांसमार्ट की ब्रांडिंग की गई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो पैकेजिंग मुझे अच्छी लग रही है। और यहाँ पे जो है आपको अपने एयरबड्स देखने के लिए मिलते हैं, अमूमन जो है एयरबड्स आपको चार्जिंग केस के साथ ही देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक अलग लुक देखने के लिए मिलता है, प्रीमियम पैकेजिंग का जो है वो एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिलता है, अलग से एयरबड्स देखने के लिए मिलते हैं, उसको हम फुल टेस्ट आउट करके क्विक रिव्यू में आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। यहाँ पे आपको जो है वो आपका चार्जिंग केस देखने के लिए मिलता है जिसके ऊपर हम जो है वो बाद में आते हैं, पहले दूसरे सारे कॉन्टेंट देख लेते हैं बॉक्स में। तो यहाँ पर आपको जो है बॉक्स में अलग से एक और जो है वो डब्बा देखने के लिए मिलता है छोटा सा, तो देखते हैं इसके अंदर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे भी ट्रांसमार्ट की जो है वो ब्रांडिंग आप देख सकते हैं, पावरिंग योर हेड लिखा हुआ है, और अंदर डेफिनेटली आपको जो है वो आपकी चार्जिंग केबल देखने के लिए मिलेगी और पेपर वर्क देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है वो वारंटी भी देखने के लिए मिलती है। जी हाँ, आप इसकी वारंटी जो है वो सेट लाइफ कलेक्शन से ही क्लेम करवा सकते हैं 1 ईयर वारंटी के साथ। यहाँ पे ये एयरबड्स शिप होते हैं तो यहाँ पे वारंटी कार्ड भी मौजूद है, साथ ही साथ यहाँ पे यूज़र मैनुअल भी मौजूद है जिससे आप जो है वो
पढ़ सकते हैं अगर आप चाहे तो। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक केबल भी देखने के लिए मिल जाती है जो कि टाइप सी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको माइक्रो यूएसबी से थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ चार्जिंग देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए जो है वो इसके चार्जिंग केस का थोड़ा सा ओवरलुक ले लेते हैं और फिर क्विक रिव्यू पे जम करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है वो फुल ग्लॉसी लुक में जो है वो आपका चार्जिंग केस देखने के लिए मिल जाता है आगे और पीछे से, और ये सिल्वर टचअप ट्रांसमार्ट की तरफ से एक लुक देता है इसके चार्जिंग केस को और खूबसूरत बनाता है और बताता है कि हम भाई फुल एयरपॉड्स की कॉपी नहीं करेंगे। और यहाँ पे नोटिफिकेशन एलईडी लाइट्स देखने के लिए मिल जाती है, मैग्नेटिक चार्जिंग केस है ऑब्वियसली, और नीचे यूएसबी टाइप सी की पोर्ट देखने के लिए मिलती है। आपके एयरबड्स जो है वो यहाँ पे मैग्नेटिकली जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाते हैं चार्जिंग केस के साथ, और यहाँ पे राइट और लेफ्ट में मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नेटिकली यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा चार्जिंग केस मुझे लगा है, क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और यहाँ पे जो है वो खुद ब खुद जो है इसका केस ही बंद हो जाता है अगर आप इसे अपसाइड डाउन करते हैं, तो यहाँ पे गिरने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और यहाँ पे अगर एयरबड्स की तरफ आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको एक माइक्रोफोन, यहाँ पे जो है वो दूसरा माइक्रोफोन, यहाँ पे जो है वो तीसरा माइक्रोफोन, और यहाँ पे जो है आपको चौथा माइक्रोफोन, चार माइक्रोफोन देखने के लिए मिलते हैं। सामने की तरफ जो है वो नोटिफिकेशन एलईडी लाइट देखने के लिए मिलती है, मतलब यहाँ पे जो है वो ये कनेक्ट होने के लिए तैयार है। ये आपको जो है वो इंडिकेट करेगा कि ये चार्ज हो रहा है या चार्ज हो चुका है वगैरह वगैरह, और इसकी जो है वो हम क्वालिटी वगैरह सब कुछ टेस्ट कर चुके हैं। तो चलिए जल्दी से क्विक रिव्यू में मिलते हैं और आपको ज़्यादा बोर नहीं करते, तो क्विक रिव्यू जो है वो मत मिस कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ट्रांसमार्ट ऑनिक्स एस का क्विक रिव्यू, और मैं कोशिश करूँगा कि ये क्विक रिव्यू में शॉर्ट से शॉर्ट रखूँ ताकि आप बोर ना हो जाए। तो कनेक्टिविटी के ऊपर बात कर लेते हैं, तो जिस भी डिवाइस से आपको कनेक्ट करना है ये ट्रांसमार्ट ऑनिक्स एस ब्लूटूथ ऑन करें और अवेलेबल डिवाइस में ट्रांसमार्ट ऑनिक्स एस दिख जाएगा, पैर कर लीजिए ये कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे बिल्ड और डिज़ाइन के ऊपर बात कर लेते हैं अब, तो यहाँ पे फुल ग्लॉसी लुक में आपको चार्जिंग केस देखने के लिए मिल जाता है, मैग्नेटिक चार्जिंग केस है ऑफ कोर्स, यहाँ पे ट्रांसमार्ट की तरफ से ये सिल्वर टचअप सामने की तरफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक देता है। और ट्रांसमार्ट कहती है कि भाई हम एप्पल एयरपॉड्स की फुल कॉपी नहीं करेंगे, और यहाँ पे ये अच्छा बेस्ट अल्टरनेटिव है एप्पल एयरपॉड्स का, ये कॉपी नहीं है। और यहाँ पे सामने की तरफ नोटिफिकेशन एलईडी लाइट देखने को मिल जाती है, ट्रांसमार्ट की ब्रांडिंग, नीचे की तरफ यूएसबी टाइप सी पोर्ट, और मैग्नेटिक जो है वो ये चार्जिंग केस है, यहाँ पे आपके मैग्नेटिकली आपके जो एयरबड्स है वो यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर एयरबड्स के डिज़ाइन की बात की जाए तो जाहिर सी बात है एप्पल एयरपॉड्स से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है ये डिज़ाइन, हाफ इन एयर लॉन्ग टेल डिज़ाइन इसे कहते हैं। और यहाँ पे जो है वो 13mm का ड्राइवर यूनिट देखने के लिए मिल जाता है, चार माइक्रोफोन आपको का मिलते हैं वो मैं बता चुका हूँ, सामने की तरफ नोटिफिकेशन एलईडी लाइट भी देखने के लिए मिल जाती है जो कि इंडिकेट करती है कि ये कनेक्ट होने के लिए तैयार है। और ओवरऑल जो है वो इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, राइट लेफ्ट इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है, और कानों में से जो है वो ये आसानी के साथ निकलता भी नहीं है, आप देख सकते हैं जितना भी आप सर हिला लें ये आपके कानों में से नहीं निकलते। और एक प्रेशर फ्री डिज़ाइन है जो कि बॉक्स पे भी मेंशन था, और यहाँ पे एक कंफर्टेबल फिट और स्टेबल फिट ये आपको प्रोवाइड करता है। अब इसके स्पेक्स और फीचर्स के ऊपर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्वालकॉम की चिप आपको देखने के लिए मिलती है जो कि आपको स्टेबल और फास्टर कनेक्शन प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ क्वालकॉम एपटेक्स का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है जो कि आपको लॉसलेस ऑडियो जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे मोनो और स्टेरियो मोड दोनों ही यहाँ पे अवेलेबल है विद 15 मीटर्स ऑफ रेंज, और साथ ही साथ ये IPX5 स्वेट प्रूफ है, मतलब यहाँ पे हल्के पुल्के पानी और पसीने से यहाँ पे कोई भी मसला नहीं आने वाला आप लोगों को। और यहाँ पे अब बात की जाए इसके साउंड क्वालिटी के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा मेन फैक्टर है किसी भी एयरबड्स के लिए, तो यहाँ पे 13mm का स्पीकर ड्राइवर यूनिट आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाउड साउंड आपको देखने के लिए मिल जाता है विद डीसेंट बेस, और यहाँ पे साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे, फटा नहीं है साउंड बिल्कुल भी और लाउड भी है साउंड, तो ओवरऑल जो है उसकी साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। इसका एक फीचर है जो कि अलग से हम जो है वो बात करेंगे जिसपे जो कि है कॉलिंग फीचर, यहाँ पे आपको चार माइक्रोफोन देखने के लिए मिल जाते हैं, और जाहिर सी बात है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन देखने के लिए नहीं मिलती जो कि हार्डवेयर के जरिए होती है, लेकिन यहाँ पे आपको क्वालकॉम CVC 8.0 नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलती है, तो यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन भी एक लेवल की है और आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी कॉल रिसेप्शन देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पे जो है वो क्विक रिव्यू में भी हम जाहिर सी बात है माइक टेस्टिंग भी डालते हैं ताकि आप जज कर पाए कि अगर आप जो है वो इसके माइक से रिकॉर्ड करते हैं कुछ चीज़ तो कैसी क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलती है। कॉलिंग फीचर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, इसमें जो है फुल रिकमेंड कर सकता हूँ मैं, अगर आप कॉल्स के लिए कोई भी एयरबड्स ढूंढ रहे हैं तो ट्रांसमार्ट ऑनिक्स एस आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं। और माइक टेस्टिंग सुन के फिर वापस आते हैं क्विक रिव्यू में। तो आप अभी जो आवाज़ सुन रहे हैं वो रिकॉर्ड की गई है ट्रांसमार्ट ऑनिक्स एस के
माइक्रोफोन्स हैं, ताकि आप लोग जो है वो डिसाइड कर पाए कि यहाँ पे आपको कैसी क्वालिटी देखने के लिए मिल जाती है। ये नॉन एडिटेड वॉइस है और यहाँ पे जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं एक दूसरे से, वैसे ही मैं उस आवाज़ में बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे आसपास जो है वो ठीक ठाक नॉइज़ भी है, ताकि आप लोग जो है वो जज कर पाए कि यहाँ पे नॉइज़ कैंसिलेशन भी इसकी कैसी है जब आप कोई ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी बैकअप और चार्जिंग के बारे में। तो यहाँ पे टाइप सी की चार्जिंग आपको देखने के लिए मिलती है, 1.5-2 घंटे में आसानी के साथ ये चार्ज हो जाता है फुल। और यहाँ पे बैटरी बैकअप की बात की जाए तो सिंगल चार्ज में ये 5 आवर्स तक का बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड कर देगा, और विद चार्जिंग केस 24 आवर्स तक का प्ले टाइम आपको प्रोवाइड कर देता है, जो कि इसके बॉक्स में भी मेंशन है। और काफ़ी हद तक ये खड़ा भी उतरता है। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई ट्रांसमार्ट की तरफ से कि जो क्लेम करता है ज़्यादातर जो है वो वही आपको जो है वो बैटरी बैकअप देखने के लिए मिल जाता है। काफ़ी कंपनीज़ के साथ ऐसा नहीं होता। तो अब चलते हैं इसके आखिरी फीचर के ऊपर या आखिरी पॉइंट के ऊपर, जो कि है इसके टच कंट्रोल्स। तो यहाँ पे सिंगल टैप पे आपको जो है वो वॉल्यूम बढ़ाने का और कम करने का ऑप्शन मिल जाता है। और जो है राइट वाले से आप जो है वो वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, लेफ्ट वाले से कम कर सकते हैं, डबल टैप पे प्ले पॉज कर सकते हैं, और प्रेस करके होल्ड करने के बाद आप थोड़ी देर के बाद छोड़ेंगे तो आप जो है वो मूव फॉरवर्ड कर देंगे राइट वाले से अपनी प्ले लिस्ट में, और लेफ्ट वाले से जो है वो बैकवर्ड आ जाएंगे अपनी प्ले लिस्ट में। और अगर यहाँ पे 3 बार अगर आप टैप करते हैं तो आप जो है वो अपने गूगल असिस्टेंट या कोई भी वॉइस असिस्टेंट को जो है वो यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं, और इसके ज़बरदस्त माइक्रोफोन से वॉइस असिस्टेंट को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो माइक की क्वालिटी भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो वॉइस कंट्रोल भी यहाँ पे एक फीचर देखने के लिए आपको मिल जाता है। तो ओवरऑल जो है उसके सारे स्पेसिफिकेशन फीचर्स और यहाँ पे साउंड क्वालिटी माइक क्वालिटी सब पे बात कर ली। और मेरे फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे अगर आप कोई ऐसा एयरबड ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको लाउड साउंड देखने के लिए मिल जाए और कॉलिंग फीचर भी अच्छा खासा देखने के लिए मिले और कॉलिंग रिसेप्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, 4 माइक्रोफोन हो, तो डेफिनेटली आप इसे खरीद सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। अगर आप कॉलिंग के लिए कोई एयरबड्स ढूंढ रहे हैं तो आप डेफिनेटली इसके ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको बाइंग लिंक डेफिनेटली देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी ऐसे ही आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शुरू में जो आपको पता है अनबॉक्सिंग्स बिल्कुल भी नहीं आती थी, लेकिन अब जो है वो आप लोगों के सपोर्ट की वजह से अनबॉक्सिंग्स आती जा रही है, और नेक्स्ट अनबॉक्सिंग भी जो है वो लाइनअप में है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। कोई भी बात हो, कोई भी सवाल हो इसके बारे में, या कोई भी बात आपको करनी हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका जवाब देते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।